जांच क्यों की गई, किसके कहने पर दबाव बनाया जा रहा है? इस फैसले को मैं राजनीतिक दबाव का फैसला मानता हूं। रामेश्वर चौधरी का क्या कहना है? पहले हमें 2 तारीख को सुना तो जाता, अब आगे क्या होगा? पन्ना सिंह जी व्यवस्थापक को हटाने का हमने प्रस्ताव ले लिया। दोनों ही तरफ तीर जो है फिलहाल तर्कश के अंदर है। हमें क्यों हटाया गया? अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने भंग किया गोगुंदा जीएसएस का बोर्ड, इमरान को लगाया प्रशासक। प्रशासक ने भूपेंद्र मेघवाल को दिया व्यवस्थापक का जिम्मा। भूपेंद्र मेघवाल ने पूर्व व्यवस्थापक पन्ना सिंह के खिलाफ दर्ज करवाई FIR। ओ, ये तस्वीर आपको कैसी लग रही है? ये दोनों तरफ हरियाली और बीच में एक रास्ता, बहुत अच्छा सीन है। अच्छा आप बताइए कि ये सीन कहाँ का है, ये रोड कहाँ जा रहा है? नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। तो नज़ारे तो वास्तव में गोगुंदा के बहुत अच्छे हैं, नज़ारों के साथ में कई चीजें गोगुंदा की बहुत अच्छी है। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं गोगुंदा की ग्राम सेवा सहकारी समिति की। ग्राम सेवा सहकारी समिति कौन सी? जो गोगुंदा कुम्हारों की तलाई रोड पर स्थित है, एक तरीके से आबकारी निरीक्षक के कार्यालय के ठीक सामने। तो ये है ग्राम सेवा सहकारी समिति। ये समिति कौन चलाता है? ये समिति चलाई जाती है राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के अंतर्गत इनका गठन होता है और इसको एक बोर्ड चलाता है। जिस तरीके से ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक वैसे ही ग्राम सेवा सहकारी समिति में भी एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके जो सदस्य होते हैं वो मिलके इस समिति को चलाते हैं। इसमें 12 सदस्य यहाँ पर है जिनको डायरेक्टर कहा जाता है और पिछले साल 15 सितंबर 2024 को चुनाव हुए थे और रामेश्वर चौधरी इस सहकारी समिति के अध्यक्ष बने थे, उपाध्यक्ष बने थे करण सिंह जाला। इस समिति में सदस्य हैं दिलीप सोनी, विनोद चौधरी, जिनेश नंदावत, प्यार चंद मेघवाल, देवेंद्र सिंह झाला, लक्ष्मीलाल वैष्णव, जेताराम गमेती, महेंद्र कुमार और 12 कुल सदस्य हैं। तो इनके द्वारा इस समिति का संचालन किया जा रहा था पिछले एक साल से और इसी दरमियान जुलाई महीने में एक कार्रवाई हुई और इस समिति के जो व्यवस्थापक है, जो सरकारी बॉडी होती है, उसके खिलाफ एक जांच हुई और जांच में आरोप ये लगाए गए कि उन्होंने 1 करोड़ से अधिक रुपए का गबन किया है। अभी सहकारी मंत्री है गौतम दत्त गोगुंदा आ चुके हैं और गोगुंदा के टोल प्लाजा से जाते समय यहाँ के भाजपा के लोगों ने उनका स्वागत किया था। गोगुंदा के पूर्व प्रधान और वर्तमान में उदयपुर के उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली और विधायक प्रताप गमेती ने एक ज्ञापन भी मंत्री गौतम दत्त को दिया था। मांग की गई ग्राम सेवा सहकारी समिति की जांच की कि उसमें जो कुछ भी खर्च हुआ है पिछले 4-5 सालों में उसकी जांच की जाए। तो इस मांग के बाद में और मंत्री के आदेश के बाद में सहकारी समितियां उदयपुर के कार्यालय से आदेश जारी हुआ, एक टीम बनाकर भेजी गई। टीम ने यहाँ पर निरीक्षण किया जिसके अंदर 1 करोड़ से अधिक का गबन पाया गया। तो ये तो जांच जो है पूरी उपजिला प्रमुख और विधायक के कहने से हुई। पन्ना सिंह के खिलाफ जांच के बाद 29 जुलाई को जो है एक आदेश जारी किया गया और वो आदेश भेजा गया गोगुंदा ग्राम सेवा सहकारी समिति में और कहा गया कि पन्ना सिंह को कार्य मुक्त किया जाए, पद से हटाया जाए क्योंकि उसके ऊपर गबन और अनियमितता के आरोप है। इसके बाद 1 अगस्त को ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक बैठक की गई और यहाँ पे प्रस्ताव लिया गया कि पन्ना सिंह को वो नहीं हटाएंगे क्योंकि पन्ना सिंह पर अभी आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुए हैं आरोप। तो जब तक पन्ना सिंह के खिलाफ गबन के, अनियमितता के आरोप जो है वो साबित नहीं हो जाते हैं तब तक जीएसएस उसको नहीं हटाएगी। जीएसएस मतलब ग्राम सेवा सहकारी समिति, तो वो नहीं हटाएगी, ऐसा उन्होंने एक प्रस्ताव लिया और वो प्रस्ताव रजिस्ट्रार को भेजा गया। वहां से जो है उन्होंने इस प्रस्ताव को अपखंडित किया और पुनः 16 अगस्त को एक नोटिस भेजा जिसमें कहा गया कि वो व्यवस्थापक को हटाएं और हटा के 2 सितंबर की पेशी में उदयपुर उपस्थित होवें। इसके बाद 27 अगस्त को जो है एक प्रस्ताव लिया गया जिसमें पन्ना सिंह को जो है हटाते हुए भूपेंद्र मेघवाल को है जो इसका चार्ज सौंपा गया और 7 दिन में पूरा प्रभार, पूरा चार्ज जो है भूपेंद्र मेघवाल को सौंपने की यहाँ पे बात हुई और इस प्रस्ताव को लेकर 2 तारीख को समिति के लोग उदयपुर पहुंचे। लेकिन इससे पहले 28 अगस्त को एक और आदेश अतिरिक्त रजिस्ट्रार के ऑफिस से नोटिस जारी हुआ और उन्होंने 6 सितंबर की एक और पेशी उनको दे दी। तो जब पहली सुनवाई 2 तारीख की हो ही नहीं गई थी उससे पहले 28 अगस्त को फिर से क्यों नोटिस जारी किया गया और फिर से क्यों 6 सितंबर की पेशी दी गई, ये एक बड़ा सवाल है। 2 तारीख
को जब सहकारी समिति के 12 ही सदस्य जो है वो उदयपुर गए थे, उन्होंने अपना प्रस्ताव भी बताया कि वो हटा चुके हैं पन्ना सिंह को और इसकी जगह भूपेंद्र मेघवाल को चार्ज दे दिया है। तो ऐसे में 6 सितंबर को भी इन लोगों ने, ग्राम सेवा सहकारी समिति के लोगों ने अपना जो है पक्ष वहां पर रखा। अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश में सहकारी समिति के बोर्ड को जो है भंग कर दिया और उसे हटाते हुए यहां पर प्रशासक नियुक्त कर दिया। इस बारे में क्या कुछ कहते हैं रामेश्वर चौधरी, आप भी सुनिए। इस फैसले को मैं राजनीतिक दबाव का फैसला मानता हूं। अगर नियमों के आधार पर अगर ये फैसला लिया जाता तो शायद हमको भंग नहीं करते। अब मैं आपको इस चीज को पूरा समझाना चाहता हूं। 27-8 को हमने जो फैसला लिया था कि हमने पन्ना सिंह को हटा दिया है, निकटतम हमारी जो सहकारी समिति है जिसके व्यवस्थापक भूपेंद्र जी मेघवाल हैं, उनको हमने प्रस्ताव में अपने यहाँ व्यवस्थापक का पद दे दिया, चार्ज भी दे दिया और चार्ज 7 दिन के अंदर हम देने की करके पूरा प्रस्ताव ले लिया और उस प्रस्ताव की कॉपी और हमारे पूरी टीम ने 2 तारीख को हम पेश हुए उप रजिस्ट्रार के मोदी जी के पास, जिसमें हमने पूरी कॉपी दी, जिस पर हमने उस रजिस्ट्रार साहब रिसीव भी ली और हमने उनको दे दिया। लेकिन 16-8 का जवाब हमने 2 तारीख को देना था, उससे पहले 28-8 का एक नोटिस और आ गया कि आप 6-9 को आप अतिरिक्त रजिस्ट्रार के वहां पे भी पेश हो। पहले हमें 2 तारीख को सुना था जाता, हम क्या ले रहे आ रहे हैं, हमें सुना नहीं गया और हमें 6 तारीख का और नोटिस दे दिया कि आप 6-9 को आप हमारे पास आओ। तो भी हमने 2-9 को वहां पहुंचे, उप रजिस्ट्रार मोदी जी से मिले, उनको हमने दिया और उन्होंने हमारा प्रस्ताव ले लिया। फिर हम 6 तारीख को वापस पेश हुए अतिरिक्त रजिस्ट्रार मोदी के पास में, फिर उन्होंने हमारे से उनकी प्रस्ताव की जो कॉपी उनके वहां उन्होंने सबके साइन वाइन कराए। हम गोगुंदा नहीं पहुंचे, उससे पहले हमारे खिलाफ हमारी टीम को भंग करने का निर्णय ले लिया गया और 7-9 को किसी और को चार्ज देके यहां पे ताले लगा दिए गए सहकारी समिति। हमें रजिस्ट्रार मोदी से और ग्राम सहकारी समिति के जो भी अधिकारी है उनसे यही कहना है कि आप राजनीतिक दबाव में काम न करें और हम भी चुने हुए इलेक्टेड आदमी है, हमारे जो 12 के 12 सदस्य हमने इलेक्टेड है, हम 12 के 12 सदस्य, हमें क्यों हटाया गया है। आपको बता दें कि प्रशासक इमरान ने 7 सितंबर को व्यवस्थापक भूपेंद्र मेघवाल को गोगुंदा जीएसएस का चार्ज लेने का जिम्मा सौंपा था। 7 सितंबर को भूपेंद्र मेघवाल को जानकारी मिली कि पन्ना सिंह जो कि पूर्व जीएसएस का अध्यक्ष है वो समिति में पहुंचा है और एक प्लास्टिक के कट्टे में समिति के रिकॉर्ड को भरकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद भूपेंद्र मेघवाल ने पूर्व व्यवस्थापक पन्ना सिंह के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर पन्ना सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। तीर जो है फिलहाल तरकश के अंदर है, ये जब छूटेंगे तब जरूर इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे।